हथियारबंद बदमाशों ने शनिवार रात को जीटी रोड पर अनाज मंडी की कट के पास स्थित शराब के ठेके पर पहली बियर की दो बोतल खरीदकर रैकी की, फिर 48 सेकंड में तीन सेल्समैन पर गोलियां बरसाकर 1.25 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने वारदात में लग्जरी कार का इस्तेमाल किया। एक बदमाश कार में बैठा था, दो ने ठेके पर 4 से 5 राउंड फायरिंग की, चौथे ने नकदी लूटी और कार में फरार हो गए। सेल्समैन ने भागकर अपनी जान बचाई। वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। ये वारदात शनिवार रात करीब 9:35 की है। सिवा गांव के ठेकेदार राजकुमार काद्यान उर्फ राजू का 2 साल से अनाज मंडी के पास शराब का ठेका है। ठेके के इंचार्ज जींद के बांगड़ू गांव के अनिल ने पुलिस को बताया कि वह 1 साल से नौकरी कर रहा है। गत रात्रि वह विकास नगर की शराब के ठेके से 60,000 रुपए की कलेक्शन करके लाया था। रुपए जेब में रख लिए थे। इसके बाद वह अनाज मंडी कट के पास के ठेके से कलेक्शन के लिए पहुंचा और कुर्सी पर बैठ गया। वहां मौजूद सेल्समैन जींद के गतोली गांव के विकास और छात्र गांव के दिलबाग ने सेल के 1,25,00,000 रुपए शराब की खाली पेटी में रखे थे। वे दोनों खड़े थे अंदर दीपक स्टोर में, शराब की पेटियां रख रहा था। एक बदमाश रुपए देकर बियर की दो बोतल लेकर रैकी कर गया। जैसे ही ग्राहक कम हुए तो जीटी रोड की तरफ से मुंह पर मास्क लगाए दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वो नीचे झुक गया और गोली रैक में जाकर लगी। दोनों सेल्समैन बाहर की तरफ भागे, दो ग्राहक भी भाग गए। वो अंदर बाथरूम में छिप गया और कुंडी लगा ली। बदमाशों के तीसरे साथी ने कैश लूटा। तीनों बदमाश अपने साथी के साथ कार में बैठकर सिवा की तरफ भाग गए। वो गाड़ी में से उतर गया जी, वहाँ से हाथ ही फायर कर दी, 3-4 फायर करे, हम बच गए, हम भागे बाकी वो अंदर आ गए और दोनों गले कैश उठा गया सारा और लेके चले गए। लगभग 1.25 लाख रुपये करीब कैश था। कितने लोग थे? 3 यहाँ उतर गए थे गाड़ी में, 1-2 गाड़ी में। हाँ जी, उस टाइम यहाँ पर कितने लोग मौजूद थे? हम 3-4 लोग मौजूद थे वहाँ पर उस टाइम। आपने कोई रिपोर्ट किया, किसी से कंप्लेंट की? हाँ जी, कंप्लेंट करी पुलिस को। यहाँ पर SHO साहब भी आए थे और थाना चांदनी बाग से आए थे, CI2 आई थी, पुलिस वाले आए थे, लिख के ले गए। कल कुछ साथ ही यहाँ मैंने देखा भी CCTV लगे हुए हैं, तो DVR कुछ? हाँ, DVR वो CI2 वाले लेके गए हैं उस छानबीन करने के लिए, देखने के लिए। कुछ पता कुछ कौन लोग थे वो जिन्होंने? कोई पता नहीं, आते ही फायर करे उन्होंने, फायर करे गोली यहाँ पे लगी है पीछे। और कितनी फायर की उन्होंने? हाँ जी, कितनी फायर की है? 3-4 फायर करे जी। हाँ, कोल भी लाया एक बार, पिस्टल का फायर था। क्या जानते हैं आप, फेस कभी देखा? नहीं, कभी नहीं देखा। वारदात के बाद उसने CI2 और ठेकेदार राजकुमार को सूचना दी। रविवार सुबह FSL की टीम व किशनपुरा चौकी प्रभारी परमिंदर सिंह ने मौके पर मुआयना किया। मौके से 3 खोल बरामद किए गए। थाना चांदनी बाग पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की 4 टीमें बदमाशों की तलाश कर रही है। मैं और मेरा साथी गुआना मोड़ मौजूद था, मेरे को सूचना प्राप्त हुई भी शराब के ठेका अनाज मंडी कट के पास कुछ अज्ञात व्यक्ति फायर करके और लूट ले गए, पैसे लूट ले गए। सूचना पाकर मैं आप तुरंत वहाँ पर पहुँचा, जो वहाँ पर राजकुमार शिवा का गांव का है, ठेका धारक है, और उसने बताया जी भाई ऐसे ऐसे बात हुई, उन्होंने मेरे को एप्लीकेशन देखे और मैंने तुरंत ही मुकदमा दर्ज कर दिया। और साथ में CCTV फुटेज वगैरह हम चेक कर रहे हैं और यहाँ पर ठेके पर लगे CCTV फुटेज कि उनके थोड़ी दिक्कत आ रही थी, उनकी DVR लेकर चेक करके जो भी सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कितने की लूट हुई है सर? उसमें 1.25 लाख की लूट हुई जी। गल्ले में से पैसे लेंगे? वह एक गत्ते की पेटी रखते हैं, पेटी ही उठा लेगी वो। कितने थे जब बदमाश? उसमें 1.25 लाख के करीब बताया गया उन्होंने पैसे। बदमाश कितने थे बताओ? 3 से 4 व्यक्ति लोग हैं, उन्होंने फायर किए हैं। हम वहाँ से कुछ खाली खोल भी बरामद किया वहाँ से। बता दें कि बदमाश अनाज मंडी की तरफ से आए थे। खाद बीज भंडार के पास अंधेरी में बदमाशों ने कार खड़ी की। एक बदमाश ने बियर खरीद कर जायजा लिया कि कैश कहां रखा है। जैसे ही ग्राहक कम हुए तो बदमाशों ने गोलियां चला दी। पुलिस के अनुसार बदमाश हथियार चलाने में माहिर है। एक बदमाश ने अंडे की रेहड़ी व आहता चलाने वालों की तरफ भी फायरिंग करके दहशत फैलाई। तो आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। नई सी है।
कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय है। इस ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किस्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर वन। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स नियर फेडरल बैंक जीटी रोड पानीपत 9812145।